हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेक लॉ इजी। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आपका जो टीपीए है, टीपीए के अंडर सेक्शन 41 में, जो कि आपका ऑस्टेंशियबल ओनर के बारे में बात करता है। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं और आपको इससे कुछ हेल्प मिलती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस अगर आपको देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक आपको मिल जाएंगी, वहां से आप उन वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक, दैट इज़ ऑस्टेंशियबल ओनर। तो ऑस्टेंशियबल ओनर जो है वो क्या होता है? ऑस्टेंशियबल ओनर इज़ डिफरेंट फ्रॉम रियल ओनर। जो आपका, देखिए कई मेरे को कमेंट्स आते हैं कि जी इंग्लिश का हिंदी ही आप बताते हो, बट आप ये देखिए ना कि ये जो नोट्स बनाए हैं ये आपके आपका जो काम है, ठीक है ना, उसको इजी करने के लिए बनाए गए हैं। साथ ही साथ में आपको ये जो एग्ज़ाम है उसमें आपको किस तरीके से प्रेजेंट करना है उसमें भी आपको ये नोट्स आपको हेल्प करेंगे। इंग्लिश टू हिंदी मैं इसलिए समझाती हूँ ताकि क्या होता है, जब आपका देखिए ऑडियो विजुअल दोनों इफ़ेक्ट होता है ना, तो उससे आपको याद करना और उसको फिर रिमाइंड करना जो है वो थोड़ा सा आपका इजी हो जाता है। इसलिए मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में बात करती हूँ, दोनों में ये समझाने की कोशिश करती हूँ। सो इफ़ यू टॉक अबाउट ऑस्टेंशियबल ओनर, तो ऑस्टेंशियबल ओनर इज़ जनरली डिफरेंट फ्रॉम रियल ओनर। तो जो रियल ओनर होता है वो अलग होता है और ऑस्टेंशियबल ओनर अलग होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं अब ये ऑस्टेंशियबल ओनर क्या होता है। तो देखिए ऑस्टेंशियबल ओनर अगर आपको जानना है तो इससे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, रियल ओनर की प्रॉपर्टी का रियल ओनर क्या होता है। तो देखिए रियल ओनर कौन होता है कि रियल ओनर इज़ द एक्चुअल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी हु हैड एक्चुअली पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड सेकेंड इज इन्वेस्टेड मनी फॉर परचेजिंग प्रॉपर्टी। तो रियल ओनर कौन होता है? रियल ओनर वो होता है जिसके पास में एक्चुअली में उस प्रॉपर्टी का पोजेशन होता है, कब्ज़ा होता है, ठीक है, और साथ ही साथ जिसने मनी इन्वेस्ट किया है किस चीज़ के लिए, मनी इन्वेस्ट किया है किस चीज़ के लिए, प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए। जैसे कि हम बात करते हैं, मान लीजिए आपका ये ए है, ठीक है ना, ए कोई पर्सन है, ए कोई पर्सन है, इसको हम रियल ओनर कब कहेंगे? इसको हम रियल ओनर कब कहेंगे कि जब इसके पास जो ये प्रॉपर्टी है ना, जो इसके पास में प्रॉपर्टी है उसका पोजेशन इसके पास में हो, ठीक है ना, और साथ ही साथ में इस प्रॉपर्टी को ख़रीदने के लिए, परचेज़ करने के लिए उसने मनी इन्वेस्ट किया हो, ठीक है ना, पैसे खर्च किए हो, पैसे लगाए हों उस प्रॉपर्टी को ख़रीदने के लिए। अब मैंने जैसे आपको पहले बताया कि जो ऑस्टेंशियबल ओनर होता है वो आपका डिफरेंट होता है किससे, आपका रियल ओनर से। तो जो रियल ओनर होता है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, अब हम पढ़ते हैं कि ऑस्टेंशियबल ओनर क्या होता है। एन ऑस्टेंशियबल ओनर इज़ दैट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी who is not the owner but his name is in the document of the property। ostensible owner क्या होता है? ostensible owner real owner नहीं है, ठीक है ना, सही मायने में वो owner नहीं है, but उसका जो नाम है ना, वो जो property के जो document होते हैं ना, property के जो document होते हैं उसमें उनका उसका नाम होता है। तो ostensible owner क्या होता है? ostensible owner वो person होता है जिसकी सही मायने में वो property नहीं होती है बट प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट पे उसका नाम होता है एंड ही हैज़ द राइट टू ट्रांसफ़र द प्रॉपर्टी विद द कंसेंट ऑफ रियल ओनर। और ये जो आपका, क्योंकि डॉक्यूमेंट में इसका नाम है, ऑस्टेंशियबल ओनर का नाम डॉक्यूमेंट में है, तो इसके पास में ना उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने का राइट भी होता है, प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने का राइट भी होता है, बट क्या, रियल ओनर की कंसेंट के साथ में, ठीक है ना, रियल ओनर से कंसेंट लेके वो इसको ट्रांसफ़र, प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकता है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। मैं इसको एक, जैसे बोलते हैं ना आपका ए बी सी डी करके इस तरीके से समझा देती ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे ये ए है, ये ए है, इसने कोई ये प्रॉपर्टी खरीदी, ठीक है ना, ये क्या है, प्रॉपर्टी है कोई, इसने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, बट इस प्रॉपर्टी में इसने अपना नाम ला लिखवा के किसका नाम लिखवाया है, प्रॉपर्टी में जो उसकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट है उसमें किसका नाम है, बी का नाम है। तो यहाँ पर ए जिसने पैसे लगाए, ठीक है ना, प्रॉपर्टी को खरीदने में, और जिसके पास में सही मायने में वो प्रॉपर्टी है वो तो ए है, बट उस पर नाम किसका है आपका, बी का है, डॉक्यूमेंट्स पर नाम किसका है, बी का है। तो यहाँ पर ए जो हो जाएगा वो रियल ओनर हो जाएगा
और ये आपका ऑस्टेंशियबल ओनर हो जाएगा, ठीक है ना, ऑस्टेंशियबल ओनर हो जाएगा, फाइन। तो चलते हैं आगे। देयर वॉज अ टाइम वेन द ओनरशिप वॉज डिवाइडेड इंटू रियल ओनर एंड ऑस्टेंशियबल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। मतलब पहले क्या होता था, पहले की जो प्रॉपर्टी की ओनरशिप है ना, वो आपका किस उसमें डिवाइड होती थी, रियल ओनरशिप में, ठीक है ना, और ऑस्टेंशियबल ओनर में। मतलब प्रॉपर्टी की जो ओनरशिप है वो रियल ओनर और ऑस्टेंशियबल ओनर में आपका डिवाइडेड होती थी। देयर आर वेरियस रीजंस फॉर विच ऑस्टेंशियबल ओनरशिप केम इनटू एग्जिस्टेंस। अगर पूछा जाए कि ये जो ऑस्टेंशियबल ओनरशिप का कॉन्सेप्ट जो आया है, ठीक है ना, ये आया ही क्यों है, ये आपका एग्जिस्टेंस में क्यों आया है, तो इसके लिए भी कई सारे रीजंस हैं, ठीक है ना। जैसे कि आप, मैंने आपको बताया ना कि ए है, उसकी कोई प्रॉपर्टी, उसने पैसा भी लगाया, उसने पैसा क्या लगाया, पैसा लगाया, पैसा खर्च करा, और प्रॉपर्टी भी उसी के पास में, पर उसने नाम रजिस्ट्री में किसी और का लिखवा दिया, तो ऐसा कोई पर्सन क्यों करेगा, इसके पीछे, इस तरीके का करने के पीछे रीज़न क्या है। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं, ठीक है, कई सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से ऑस्टेंसिबल ओनरशिप जो है इसका कॉन्सेप्ट आपका एग्जिस्टेंस में आया। देखिए जैसे कि क्या होता है ना आपका, कि जो पीपल, कई लोग क्या करते हैं कि जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह है ना वो परचेज़ करते हैं, अपने पैसे से करते हैं, पर उनका किसका नाम लिखाते हैं, अपने किसी फैमिली मेम्बर्स का, उसमें रजिस्ट्री वगैरह में जो आपका प्रॉपर्टी का जो डॉक्यूमेंट है उसमें नाम लिखा देते हैं। ये काहे के लिए, क्योंकि उन, ये क्यों करते हैं, वो करते हैं आपका टैक्स वगैरह को सेव करने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है ना, एक पर्सन है उसके पास में बहुत सारी प्रॉपर्टी है, अगर वो इतनी सारी प्रॉपर्टी अगर शो कर देगा तो उसको टैक्स भी तो उसी हिसाब से पड़ेगा। तो टैक्स बचाने के लिए क्या होता है, कई बार क्या होता है, ऑस्टेंशियबल ओनरशिप का कॉन्सेप्ट आपका यूज़ होता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। दिस इज़ और वॉज मेनली डन बाय द रियल एस्टेट एजेंट्स और प्रॉपर्टी डीलर्स एक्सेट्रा, वो यूज़ टू परचेज एंड सेल प्रॉपर्टीज़। जनरली आपको पता ही है ये काम कौन करता है, जो रियल एस्टेट एजेंट्स हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स हैं। आपने देखा होगा ये ना, जैसे प्रॉपर्टी डीलर्स जो होते हैं ना, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ लेके रहते हैं, पर वो अपने नाम पे ट्रांसफ़र नहीं कराते उसे। वो किसके नाम पे ट्रांसफ़र कराएंगे, किसके नाम पे ट्रांसफ़र कराएंगे, वो भाई जो उनको एक्चुअली में ख़रीदेगा। तो एक तरीके से वो आपके ऑस्टेंशियबल ओनर वो क्या हो जाएगा, मतलब जिसके नाम पे वो ख़रीदेंगे या जिसके नाम पे वो प्रॉपर्टी है। पर पोजेशन किसका है भाई, रियल एस्टेट एजेंट वालों का है या प्रॉपर्टी डीलर्स का पोजेशन है, है ना, उन्होंने पैसा लगाया है, पर किसके नाम पे, किसी और के नाम पे लिख दिया, ताकि उनको अपने नाम पे ट्रांसफ़र ना करनी पड़े और उनको टैक्स वगैरह ना देना पड़े, मतलब टैक्स वगैरह से बच जाए। दे मेक ऑस्टेंशियबल ओनर्स टू सेव द स्टैम्प ड्यूटी और चार्जेस विच इनकर्ड इन परचेजिंग एंड रजिस्ट्री ऑफ द प्रॉपर्टी। तो इस तरीके से क्या करते हैं वो, ऑस्टेंशियबल ओनर ओनर्स जो है ना उनको बना लेते हैं, मतलब कुछ लोगों को ऑस्टेंशियबल ओनर बना देंगे भाई, किसी किसी के नाम पे उन्होंने क्या कर दिया, रजिस्ट्री करवा ली, किसी के नाम पे रजिस्ट्री करवा ली। इससे क्या होगा, इससे तो एक चीज़ क्या होगा कि देखो जो भी चार्जेस वगैरह लगते हैं ना, स्टैम्प ड्यूटी या चार्जेस वगैरह जो लगते हैं, ठीक है ना, प्रॉपर्टी को परचेज करने में रजिस्ट्री के दौरान, उसको बचाने के लिए, ओके। And they also avoid to show property in their own name as nobody can accumulate more than 12.5 acres as per UP Zamindari Abolition and Land Reform Acts। क्योंकि अब आपको मैंने बता दिया है कि जैसे कि क्या था, कोई भी पर्सन जो है ना अपने नाम पे बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी इकट्ठा करके नहीं रह सकता भाई। जितनी प्रॉपर्टी आपके पास आप शो करोगे, है ना, उतने ही ज़्यादा आपको टैक्स भी देना पड़ेगा, और एक लिमिट होती है कि भाई एक पर्सन के पास में इससे ज़्यादा आपका प्रॉपर्टी वो नहीं रख सकता है, ठीक है। जैसे आपका यूपी ज़मींदारी अबॉलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट है ना, उसके अकॉर्डिंग एक पर्सन के पास में 12.5 एकड़ से ज़्यादा की ज़मीन नहीं हो सकती है। पर अब क्या है कि जब से आपका ये जो बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988, ठीक है ना, बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988 जो है, इसका इनएक्टमेंट हुआ, Nobody or the real owner cannot claim if the property is sold by ostensible owner without the consent of real owner। जब से ये बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट आपका आया है ना, तब से क्या है, क्या हो गया कि अगर मान लीजिए ostensible owner जो है, ostensible owner जो है वो real owner की consent के बिना, real owner की consent के बिना अगर उस प्रॉपर्टी को जो उसके नाम पे है वो अगर उसे सेल कर देता है, ठीक है ना, उसे सेल कर देता है, तो रियल ओनर जो है कोई भी प्रॉपर्टी पे अपना क्लेम नहीं कर सकता है, ओके। जैसे आपका मैंने बताया था ना, ये ए मान लीजिए इसकी प्रॉपर्टी है, बी जो है ऑस्टेंशियबल ओनर है, मान लो जो बी है ये प्रॉपर्टी को क्या कर देता है, सी को बेच देता है, सी को बेच दिया उसने इसकी कंसेंट के बिना, इससे कंसेंट नहीं ली, ए से कंसेंट नहीं ली, तो बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट जो है ना, बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988 जो आया,
इसके इनैक्टमेंट के बाद से ये जो रियल ओनर है, क्योंकि इसके नाम पे तो भलाई उसने पैसा लगाया, रियल ओनर भलाई वो रियल ओनर है, पोजेशन में प्रॉपर्टी उसके पोजेशन में है, पैसा उसने लगाया, पर जिसके नाम वो प्रॉपर्टी है ओस्टेंशियबल ओनर, ठीक है ना, वो इसको बेच सकता है, तो रियल ओनर क्लेम नहीं करेगा। ये जो एक्ट लेके आई ना गवर्नमेंट, वो इसलिए लेके आई ताकि लोग जो है ना वो थोड़ा सा, आगे बोलते हैं ना, दूसरे ओस्टेंशियबल ओनर बनाने से थोड़ा डरे, क्योंकि उन्हें पता है भाई एक बार उन्होंने ओस्टेंशियबल ओनर बना दिया, मान लो भाई वो कल के दिन जो है वो बेच देता है, तो वो जो रियल ओनर है उसके पास में तो कोई प्रूफ नहीं रहेगा ना कि भाई ये प्रॉपर्टी उसकी थी, क्योंकि रजिस्ट्री में जिसका डॉक्यूमेंट्स में नाम है प्रॉपर्टी तो उसी की मानी जाएगी। एग्जाम्पल है, ए परचेज अ प्रॉपर्टी, ठीक है ना, इन द नेम ऑफ हिज सन बी, एंड ए विल बी द रियल ओनर एंड बी विल बी द ओस्टेंशियबल ओनर। जैसे मैंने आपको बता दिया कि जो ए है वो प्रॉपर्टी परचेज करता है ना, प्रॉपर्टी परचेज करता है अपने बेटे के नाम पे, तो यहाँ पर क्या है, ए जो है वो तो रियल ओनर है और बी जो हो जाएगा वो ओस्टेंशियबल ओनर हो जाएगा जिसके नाम पे, मतलब डॉक्यूमेंट में जिसका नाम है। ओके, अब हम बात करते हैं गाइडलाइंस बाय सुप्रीम कोर्ट टू फाइंड आउट हु इज़ रियल ओनर और हु इज़ ओस्टेंशियबल ओनर। सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइंस है कि कौन रियल ओनर होगा और कौन ओस्टेंशियबल ओनर होगा। तो जैसे पर्सन जिसका सोर्स ऑफ इनकम है, ठीक है ना, फाइन, वो रियल ओनर कहलाएगा। पर्सन जिसने आपका प्रॉपर्टी खरीदने में क्या करी है, पैसा लगाया है, ओके। तीसरा पर्सन जिसके पास में आपके होता है ना रीजंस हैं प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए किसी दूसरे के नाम पे, वो भी आपका रियल ओनर कहलाएगा। तो ये सारे तो रियल ओनर हो गए कि भाई जिनका सोर्स ऑफ इनकम, भाई सोर्स ऑफ इनकम जहाँ से आ रहा है, जिसकी वो सोर्स ऑफ इनकम होगी वो रियल ओनर कहलाएगा। जो मनी इन्वेस्ट कर रहा है प्रॉपर्टी खरीदने में वो रियल ओनर कहलाएगा। जो पर्सन जिसके पास में कुछ रीजंस है दूसरे किसी दूसरे के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, वो भी रियल ओनर कहलाएगा, ठीक है ना। पर्सन जो कि प्रॉपर्टी को मैनेज कर रहा है, ठीक है ना, पर्सन जो कि प्रॉपर्टी को मैनेज करता है, मतलब पोजेशन जिसके पास में, वो भी आपका रियल ओनर कहलाएगा। तो अब ओस्टेंशियबल ओनर क्या कर रहा है, ओस्टेंशियबल ओनर सिर्फ वही ओनर है कि जिसने ये सारी चीज़ें कुछ नहीं की, ठीक है ना, ना उसने पैसा लगाया, ना उसने उसके पास में कोई सोर्स ऑफ इनकम है, कुछ नहीं है, बस उसका नाम रजिस्ट्री में है या रजिस्टर्ड डीड जो है ना, प्रॉपर्टी का जो रजिस्टर्ड डीड होगी उसमें उसका नाम है, वही आपका ओस्टेंशियबल ओनर कहलाएगा। सो इफ़ द ओस्टेंशियबल ओनर ट्रांसफर अ प्रॉपर्टी टू अनदर पर्सन विद द कंसेंट ऑफ रियल ओनर आइदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड एंड द बायर टेक्स अ प्रॉपर्टी इन गुड फेथ and consideration is given by third party, then the real owner cannot change or reject the transaction. Fine, यहाँ पर off की जगह और आएगा, है ना। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहे हैं कि मान लीजिए ostensible owner जो है वो ostensible owner जो है वो किसी दूसरे person को property transfer करता है रियल ओनर की कंसेंट के साथ में। अब ये जो कंसेंट है ना, ये एक्सप्रेस फॉर्म में भी हो सकती है और इम्प्लाइड फॉर्म में भी हो सकती है, ठीक है। और जो बायर है, जैसे मैंने आपको बताया ना, ये ए मान लो आपका रियल ओनर है, बी आपका ओस्टेंशियबल ओनर है, बी किसको बेच रहा है, सी को बेच रहा है ना, ये बायर है, सी क्या है आपका, बायर है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जब मान लीजिए ओस्टेंशियबल ओनर है वो आपका रियल ओनर की कंसेंट के साथ में, चाहे वो कंसेंट एक्सप्रेस फॉर्म में है चाहे इम्प्लाइड फॉर्म में है, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है किसी दूसरे पर्सन को, ठीक है ना, और बायर जो है वो प्रॉपर्टी लेता है गुड फेथ में, और कंसिडरेशन भी जो है वो पे की जाती है, कंसिडरेशन भी दी जाती है। कंसिडरेशन का मतलब क्या है कि जैसे हम बोलते नहीं है कि किसी, मान लो मैंने किसी को कोई चीज़ दी तो उसके एवज में मुझे क्या मिला, वो आपका कंसिडरेशन कहलाया जाएगा। कंसिडरेशन कुछ भी हो सकता है, मनी भी हो सकता है, कोई फेवर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बायर जो है प्रॉपर्टी को गुड फेथ में लेता है, ठीक है, और कंसिडरेशन भी पे की जाती है इसी थर्ड पार्टी के जरिए, सी ये बायर क्या हो गया, आपका थर्ड पार्टी हो गया। देन द रियल ओनर कैन नॉट चेंज और रिजेक्ट द ट्रांजेक्शन, तब रियल ओनर ना तो इस ट्रांजेक्शन को चेंज कर सकता है ना ही रिजेक्ट कर सकता है, मतलब बाद में वो ये क्लेम नहीं कर सकता कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, ना ही उस ट्रांजेक्शन को किसी तरीके से चेंज कर सकता है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया हो। देखिए ये तो तब की बात है जब आपका बेनामी ट्रांजेक्शन एक्ट जो है वो नहीं आया, उसमें तो बेनामी ट्रांजेक्शन एक्ट आने से पहले क्या कहा जाता था कि जो ओस्टेंशियबल ओनर है वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकता है बट उसको रियल ओनर की कंसेंट लेनी पड़ेगी, चाहे वो कंसेंट एक्सप्रेस फॉर्म में मिले चाहे वो आपका इम्प्लाइड फॉर्म में मिले, ठीक है।
बट बिनामी ट्रांजैक्शन जो आपका एक्ट आया उसके बाद में क्या हो गया कि भाई जो आपका ओस्टेंशियबल ओनर है वो प्रॉपर्टी अगर ट्रांसफ़र कर देता है रियल ओनर की कंसेंट के बिना भी, तो भी वो ट्रांजैक्शन वैलिड माना जाएगा और रियल ओनर उस प्रॉपर्टी पे अपना क्लेम नहीं कर सकता है। ओके, तो ये बातें जो है वो आपको सेक्शन 41 ऑफ ओस्टेंशियबल ओनरशिप से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो आपका टीपीए जो है आपका ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 इसके सेक्शन 41 में मिलेगा, ठीक है ना। तो वही बात इसमें है कि इफ़ अ प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड बाय ओस्टेंशियबल ओनर विद द कंसेंट ऑफ रियल ओनर एंड कंसिडरेशन वॉज टेकन, तो ये वही बात है जो अभी मैंने आपको ऊपर कही कि सेक्शन 41 क्या कहता है कि अगर मान लीजिए ओस्टेंशियबल ओनर जो है वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है रियल ओनर की कंसेंट के साथ में और कंसिडरेशन भी ली जाती है, ठीक है, बायर जो है प्रॉपर्टी को गुड फेथ में परचेज करता है, ठीक है ना, तो ये जो रियल ओनर है वो ट्रांजैक्शन को रिजेक्ट नहीं कर सकता है। अब असेंशियल्स क्या है, असेंशियल्स क्या क्या होते हैं आपके ये जो आपका ये ओस्टेंशियबल ओनरशिप का जो कॉन्सेप्ट है ना, जो सेक्शन 41 में मेंशन है उसके क्या क्या असेंशियल पॉइंट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। देखिए ये जो मैं हेडिंग्स सब हेडिंग्स वगैरह आपको बता रही हूँ ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लिखने में आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है ना। ट्रांसफरर मस्ट बी एन ओस्टेंशियबल पर्सन, जो भी ट्रांसफरर है ये कब एप्लीकेबल होगा कि जब ट्रांसफरर जो है ना वो आपका कौन है, ओस्टेंशियबल ओनर या ओस्टेंशियबल पर्सन है, ठीक है ना, मतलब जिसका सिर्फ नाम है प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी डीड में सिर्फ नाम है, अदरवाइज उसने और कोई पेन नहीं लिया उस प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए, है ना, वो ओस्टेंशियबल ओनर कहलाएगा। तो ट्रांसफरर ओस्टेंशियबल ओनर होना चाहिए। ट्रांसफ़र मस्ट बी डन विद द प्रायर कंसेंट ऑफ रियल ओनर, देखिए जो ट्रांसफ़र हो रहा है ना ये रियल ओनर की कंसेंट के साथ में होना चाहिए, पहले से रियल ओनर की कंसेंट लेने के बाद, मतलब लेने के बाद ही वो ट्रांसफ़र कर सकता है ओस्टेंशियबल ओनर। मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, याद दिला देती हूँ, ये बेनामी ट्रांजेक्शन एक्ट जो पास हुआ है ना 1988 का, उसके पहले की बात हो रही है ये, ठीक है ना, क्योंकि आपका ये जो टीपीए है ये कब का है आपका, ये 1882 का है ना। नेक्स्ट है आपका कि जो कंसिडरेशन है इज पेड फॉर दी पेड और द कंसिडरेशन शुड बी मेड फॉर द ट्रांसफ़र। सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि ट्रांसफरर आपका ओस्टेंशियबल ओनर होना चाहिए, ट्रांसफ़र जो है जो आपका ओस्टेंशियबल ओनर जो ट्रांसफ़र कर रहा है वो रियल ओनर से प्रायर कंसेंट के साथ में होना चाहिए। साथ ही साथ में नेक्स्ट क्या है असेंशियल क्या है कि जो कंसिडरेशन पेड होनी चाहिए, मतलब किसी ने कंसिडरेशन दिया हो या फिर कंसिडरेशन जो भी दिया जा रहा है वो किस चीज़ के लिए होना चाहिए, ट्रांसफ़र के पर्पज़ के लिए होना चाहिए, ठीक है। चौथा पॉइंट है कि ट्रांसफर ही एक्टेड इन गुड फेथ और वी कैन से दैट ही हैज़ टेकन केयर टू असर्टेन दैट द ट्रांसफरर हैज़ पावर टू ट्रांसफ़र, मतलब जो ट्रांसफर ही है उसने गुड फेथ में एक्ट किया हो, और या हम कह सकते हैं कि जो ट्रांसफर ही है उसने ये चेक पूरी तरीके से, मतलब उसने इस चीज़ की केयर की हो, टेक केयर की हो कि जो आपका ट्रांसफरर है उसके पास में ट्रांसफ़र करने की पावर है। अब हम बात करते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ होल्डिंग आउट, देखिए जो सेक्शन 41 है ना, सेक्शन 41 में आपका डॉक्ट्राइन ऑफ होल्डिंग आउट जो है उससे भी जाना जाता है। तो सेक्शन 41 जो है वो डील करता है विद द डॉक्ट्राइन ऑफ होल्डिंग आउट विच प्रोटेक्ट्स द ट्रांसफरी फ्रॉम द चेन ऑफ रियल फ्रॉम द क्लेम ऑफ रियल ओनर, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा क्लेम ऑफ रियल ओनर। ओके, सॉरी, हाँ तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आएगा क्लेम, CLAIM। तो जो आपका सेक्शन 41 है जो आपका ओस्टेंशियबल ओनरशिप के कॉन्सेप्ट से डील करता है वही आपका डॉक्ट्राइन ऑफ होल्डिंग आउट की भी बात करता है। ये जो आपका सेक्शन 41 है ये ट्रांसफरी को प्रोटेक्ट करता है किस चीज़ से, रियल ओनर के क्लेम से, मतलब एक बार ओस्टेंशियबल ओनर ने कंसेंट के साथ में रियल ओनर की कंसेंट के साथ में अगर सेल आउट कर दिया, ठीक है ना, तो जो ट्रांसफरी है उसको ना प्रोटेक्ट करेगा ये सेक्शन किससे कि रियल ओनर जो है अगर कोई क्लेम करता है तो। इट मीन्स दैट एज द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड बाय द ओस्टेंशियबल ओनर एंड नॉट बाय द रियल ओनर देन द सिचुएशन मे अराइज दैट द रियल ओनर कैन क्लेम रिकवरी ऑफ हिज प्रॉपर्टी फ्रॉम द बायर
So, Section 41 provides essential conditions which protects buyer from the claim of such real owner. तो ये क्योंकि आपको जो आपका ये बात की जाए, जो भी ट्रांसफ़र की बात की जा रही है, इसमें क्या है, हमने क्या कहा कि ये जो जो भी ट्रांसफ़र हो रहा है ना, जैसे ये आपका क्या है, ए आपका क्या है रियल ओनर, बी क्या है आपका ऑस्टेंशियबल ओनर, तो जो भी ट्रांसफ़र हो रहा है ना, ये ऑस्टेंशियबल ओनर कर रहा है. कौन कर रहा है? ऑस्टेंशियबल ओनर कर रहा है, ठीक है ना. तो ऐसी सिचुएशन बाद में आ सकती है कि ये जो रियल ओनर है ना, रियल ओनर है, ये कि क्लेम कर दे कि भाई ये प्रॉपर्टी तो मेरी है, मतलब मैंने इसे सेल आउट नहीं किया है. तो तब आपका सेक्शन 41 जो है ना, सेक्शन 41 जो है वो ट्रांसफरी को, मतलब ऑस्टेंशियबल ओनर ने जिसको प्रॉपर्टी सेल की है एक ही कंसेंट के साथ में, ठीक है ना, ऑस्टेंशियबल ओनर ओनर ने जिसको प्रॉपर्टी सेल की है एक ही कंसेंट के साथ में, उस पर्सन को जिसे हम ट्रांसफरी कहेंगे, उसको प्रोटेक्ट करेगा रियल ओनर के इस क्लेम से. ओके, नाउ देखिए, अगर बेयर एक्ट आप देखेंगे ना, बेयर एक्ट के हिसाब से मैंने वो भी डाल दिया है कि बेयर एक्ट जो है वो आपका क्या कहता है, बेयर एक्ट क्या कहता है आपका, सेक्शन 41 एज पर बेयर एक्ट क्या कहता है आपका, ट्रांसफ़र बाय ऑस्टेंशियबल ओनर, मतलब ऑस्टेंशियबल ओनर के द्वारा ट्रांसफ़र. बेयर द कंसेंट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड ऑफ द पर्सन्स इंटरेस्टेड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, अ पर्सन इज ऑस्टेंशियबल ओनर ऑफ सच प्रॉपर्टी एंड ट्रांसफर द सेम फॉर कंसिडरेशन. द ट्रांसफर शैल नॉट बी वायलेबल ऑन द ग्राउंड दैट द ट्रांसफरर वॉज नॉट ऑथराइज टू मेक इट. तो ये आपका सेक्शन 41 कहता है कि जहाँ पर आपका कंसर्न के साथ में, चाहे वो एक्सप्रेस फॉर्म में हो, चाहे वो आपका इम्प्लाइड फॉर्म में हो, ठीक है ना, कोई भी पर्सन जो कि इंटरेस्टेड है किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी में, है ना, तो वो पर्सन जो है ऑस्टेंशियबल ओनर होगा उस प्रॉपर्टी का. ओके, ऑस्टेंशियबल ओनर होगा उस प्रॉपर्टी को, और उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर पाएगा कंसीडरेशन के लिए. और ये जो ट्रांसफ़र है ना, वो सिर्फ इस ग्राउंड पे आपका अवेलेबल, मतलब इनवैलिड नहीं हो जाएगा कि ट्रांसफ़रर जो है उसके पास में अथॉरिटी नहीं है उसको ट्रांसफ़र, उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने की. प्रोवाइडेड दैट द ट्रांसफरी आफ्टर टेकिंग रीजनेबल केयर टू असर्टेन दैट द ट्रांसफरर हैड पावर टू मेक द ट्रांसफ़र हैज़ एक्टेड इन गुड फेथ. तो यहाँ पर क्या कह रहा था कि जो इसमें क्या प्रोवाइडेड है कि जो ट्रांसफरी है उसने पूरी तरीके से, बोलते हैं छानबीन की हो, पूरी तरीके से केयरफुल रहा हो ये जानने के लिए कि भाई जो ट्रांसफरर है, ठीक है ना, उसके पास में क्या है, उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने की अथॉरिटी थी. ओके, तो ये हो गया आपका ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के हिसाब से सेक्शन 41 क्या कहता है, वो आपका ट्रांसफ़र बाय ऑस्टेंशियबल ओनर की बात करता है. तो अब मैंने आपको ये पहले भी बता चुकी हूँ कि जो इनैक्टमेंट हुआ बेनामी प्रॉपर्टी अबॉलिशन एक्ट 1988 के हिसाब से, कि ऑस्टेंशियबल ओनर जिसका नाम आपका रजिस्ट्री में या टाइटल डीड में मेंशन होता है, ठीक है ना, वो आपका विल बी द रियल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, वही आपका प्रॉपर्टी का रियल ओनर माना जाएगा. एंड एनी ट्रांसफ़र डन बाय सच ओनर विदाउट द कंसेंट ऑफ रियल ओनर विल बी वैलिड. और तो ये एक्ट क्या कहता है, ये कहता है कि कोई भी प्रॉपर्टी जिसमें आपका जिसमें आपका किसी पर्सन का नाम मेंशन है, ठीक है, चाहे भले ही वो आपका ऑस्टेंशियबल ओनर है, उसने उसको प्रॉपर्टी को ख़रीदने में कोई भी आपका पैसा इन्वेस्ट नहीं करा हो या कोई पेन नहीं लिया है, कुछ उसका पोजेशन भी उसके पास नहीं है, पर जिसके नाम पे वो प्रॉपर्टी है उसी को रियल ओनर माना जाएगा. और अगर वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करता है रियल ओनर की कंसेंट के बिना भी, तो भी वो ट्रांसफ़र वैलिड माना जाएगा और रियल ओनर जो है वो उस प्रॉपर्टी पे अपना राइट क्लेम नहीं कर सकता है. तो ये जो एक्ट था ना, ये आपका क्यों इनएक्ट हुआ था, ताकि जो बेनामी प्रॉपर्टीज़ है ना, बेनामी प्रॉपर्टीज़ मतलब बोलते नहीं, नाम किसी और का, प्रॉपर्टी किसी और की, है ना, तो इनको, ये जो लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है ना, किसके लिए, जो टैक्स वगैरह है, स्टैम्प ड्यूटीज़ वगैरह सेव करने के लिए, उसको अबॉलिश करने के लिए यह एक्ट आपका एग्जिस्टेंस में आया था. तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा ऑस्टेंशियबल ओनर का. तो अगर आपको प्लीज़ समझ में आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें. और वीडियोस के लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, प्लेलिस्ट के ज़रिए आप उनको एक्सेस कर सकते हैं. तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.